हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है सभी के एक और नए वीडियो पे। तो गाइस देखो, आपने अगर पहला वाला मेरा पार्ट देखा है पबजी मोबाइल लाइट में प्रो प्लेयर कैसे बने, सो वो वीडियो देखने के बाद आप ये सेकंड पार्ट देख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग वो वीडियो को पहले देख लो, ठीक है। एंड ये वीडियो होने वाली है पार्ट टू के ऊपर की। इस पर मैं आपको कुछ यूनिक्स और भी अलग से टाइप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, जिसकी वजह से आप लोग पबजी मोबाइल लाइट में भी प्रो प्लेयर बन सकते हो, ठीक है। सो बस आप लोग कुछ नहीं करना, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लो एक बार, एंड ये वाली वीडियो को डेफिनेटली पूरी देखना, ठीक है। सो अगर आप लोगों को प्रो बननी हो तो बस ये वाली वीडियो को लास्ट तक देखना। सो चलो गाइस, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ अगर आपको चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब उसे कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल में पबजी लाइट रिगार्डिंग अमेजिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलो गाइस, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। अब पिछली वाली वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उस पर मैंने कौन कौन सी थ्री टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। जिस पे था पहला आपको कंट्रोल्स वगैरह में आपको अपना हाथ बैठाना है, सेकंड आपको मतलब न्यू प्लेयर्स के साथ नहीं खेलना, मतलब रैंडम प्लेयर्स के साथ, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको अपना गेम पे फोकस करना है, अगर आप फोकस ध्यान भटकाओगे तो आप गेम नहीं खेल पाओगे, ठीक है। सो ये तो बात होगी पिछली वाली वीडियो की, अगर आपको डिटेल में जाना था वो वीडियो देख सकते हो। तो पिछली वाली वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बेसिक से टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, एंड इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको बेसिक लेवल से थोड़े ऊपर के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट लेवल पे आता है आपको अच्छी तरह से लूट करना है। अब बंदे क्या करते हैं गाइस, बहुत बार मतलब हॉट ड्रॉप पे उतरते हैं, वो हॉट ड्रॉप पे उतरने के बाद बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि उनको गन नहीं मिलती है, सामने वाले बंदे को गन मिल जाती है, वो सामने वाला बंदा आपको इजीली पेल देता है। सो आपको क्या करना है, आपको हॉट ड्रॉप तो करना है, बट पहले आपको लूट वगैरह कर लेनी है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि अगर आप लोग बिना लूट के किसी भी स्क्वाड पे रश करोगे ना, वो सामने वाले बंदे के पास अगर अच्छी से गन हुई ना, वो आपको इजीली खत्म कर देगा। सो कभी भी किसी भी स्क्वाड पे रश करने से पहले आपको अच्छी खासी लूट कर लेनी है, क्योंकि लूट नहीं करोगे फिर सामने वाले बंदे के पास रश करो, क्या पता उसके पास कोई अच्छी से गन हो एंड वो बंदा आपको इजीली पेल कर मतलब फिनिश कर दे, ठीक है। सो फर्स्ट टिप तो यही है कि आपको मतलब रश नहीं करना है, रश तब तक मत करो जब तक आपके पास अच्छी से लूट ना हो जाए। अब बात कर ले सेकंड टिप की तरफ, एंड जो सेकंड टिप है गाइस उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाएगा, आपको उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके वो होगा। एंड वो है गाइस आपको मूवमेंट अपना इंक्रीज़ करना है, क्योंकि देखो जितना फास्ट आपका मूवमेंट होगा ना उतना आसान मतलब उतना हार्ड हो जाएगा आपको सामने वाला बंदा आपको मारने के लिए, ठीक है। सो आपका जितना ज़्यादा मूवमेंट फास्ट होगा मतलब जिगल वगैरह जो भी आप लोग जानते हो, एंड हाँ अगर आप लोग नहीं जानते हो फास्ट मूवमेंट कैसे करा जाए तो आप लोग मेरे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना रिएक्शन कैसे फास्ट कर सकते हो, कैसे अपना मूवमेंट को जो सामने वाले बंदे के सामने फास्ट कर सकते हैं, इसलिए सामने वाले बंदे को फिनिश कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग को बस अपना रिएक्शन टाइम या फिर आपका जो मूवमेंट स्पीड है उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना, तो इससे क्या होगा आपका जितना ज़्यादा आपका कैरेक्टर का स्पीड रहेगा ना, सामने वाला बंदा को उतना ही दिक्कत होगा आपको मारने में। सो जितना ज़्यादा हो सके अपने मूवमेंट को स्पीड करो, ठीक है। अगर आपका एम कनेक्ट नहीं भी होता है फिर भी आप मूव करते रहो, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको जल्दी मार भी नहीं पाएगा। सो मूवमेंट बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, सो आप मूवमेंट करते जाओ। अब गाइस थर्ड ट्रिक जो है मतलब टिप्स है वो फर्स्ट वाले वीडियो के साथ ही मैच करती है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले वीडियो मैंने बताया था वो कंट्रोल्स के बारे में, क्योंकि कंट्रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रो बनना है पबजी में अगर स्पेशली बात करी जाए तो आपको अपने कंट्रोल्स पे ध्यान देना है, चाहे आपका कोई सा भी डिवाइस हो, कितना ही मतलब कितना ही बड़ा स्क्रीन साइज हो, अगर आप एक अच्छा सा कंट्रोल बनाते हो एंड उस पर अगर आप अपना हाथ बैठा लेते हो ना भाई, तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। एंड मेरे हिसाब से आप लोग टू फिंगर मत खेलो, क्योंकि टू फिंगर में आप सारी चीज़ एक साथ नहीं कर सकते हो। टू फिंगर में क्या सीन है कि अगर आप लोग जंप करोगे तो आप लोग फायर नहीं कर सकते, मतलब उस पर सब अलग अलग ऑप्शन दिए गए, ठीक है। या तो आप फायर कर सकते हो या तो जंप कर सकते हो, मतलब सब में अलग अलग है टू फिंगर में। सो अगर आप लोग प्रो बनना है तो आप लोग पहले टू फिंगर को छोड़ो, ठीक है। थ्री फिंगर, फोर फिंगर, छः फिंगर, जितने भी फिंगर खेल लें, आठ नौ दस जितने भी खेल सकते हो खेल लो, बट टू फिंगर मत खेलो, क्योंकि टू फिंगर में आप लोग कभी प्रो नहीं बन सकते हो, ठीक है। प्रो बनना है तो बस आप लोग टू फिंगर को चेंज करें, बाकी बस जितने भी फिंगर यूज़ करना आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड रही बात सेंसिटिविटी और कंट्रोल्स की, तो आप लोग किसी का भी कॉपी मत करो, आप लोग अपनी एक खुद की कंट्रोल बनाओ, आपके डिवाइस के हिसाब से, आपके स्क्रीन के साइज हिसाब से आप लोग खुद की कंट्रोल बनाओ, क्योंकि खुद की बनाओगे ना तो बहुत बेस्ट होने वाली है। एंड मतलब वो आपके हिसाब से बैठेगी कि आपको कहाँ पर कौन सा मतलब बटन रखना है, इसके हिसाब से आप लोग एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो आप लोग खुद की कंट्रोल बनाओ, खुद की सेंसिटिविटी बनाओ, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो फिर से उसे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करो सेंसिटिविटी को, ठीक है। कंट्रोल्स आपका जहाँ पर उंगली जहाँ पर जैसा जा रहा है वहाँ पर आप लोग अपना जो भी फायरिंग बटन कुछ भी रखना चाहते हो वहाँ पर रखो, क्योंकि आपके हिसाब से आपके डिवाइस के हिसाब से जहाँ पर आपको जो सही लगता है वो आप रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत बेस्ट हो जाएगा ये आपके लिए कंट्रोलर सेटिंग वगैरह को पता लगाने के लिए। एंड हाँ ऐसा मत करना कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे देख के फायर करो, ठीक है। सो ऐसा कर लो कि आपको याद हो जाए कि मतलब यहाँ पर मेरा फायरिंग बटन है, यहाँ पर ये है वो है, ठीक है। तो आप एक बार मतलब याद करने के बाद उसे हाइड करो, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो बाद में, एंड कभी भी किसी को भी फायर करोगे तो आपको देख के फायर ना करना पड़ेगा, ठीक है।
सो बस एक बार दिमाग में बैठा लो कहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा एंड सामने वाले बंदे को आप इजीली फिनिश कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने कंट्रोल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपना मूवमेंट इंक्रीज करोगे एंड सीधा सामने वाले बंदे को इजीली फिनिश कर सकते हो। सो देखो यही तीन टिप्स मैं इस वीडियो में बताया। ठीक है, एंड देखो मतलब अगर आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं तो ये मत समझना आप लोग प्रो बन जाओगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके मूवमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करो। एंड हाँ, मूवमेंट के ऊपर जरूर से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि मैं जैसे वो वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, एंड हाँ, बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस करना। सो बस आप लोग सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना, पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लो, बहुत अमेजिंग वीडियो है। ठीक है, सो ये वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली आप सभी के लिए। सो बस यार इस वाली वीडियो के लिए बस इतना है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आपको हमारे चैनल पबजी राइट रिगार्डिंग अमेजिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।